भोजवृत्ति का अर्थ सूत्र चार। कलेशत्व धर्म का पांचों के ऊपर तुल्य होने पर भी सबका कारण अविद्या है, अतः अविद्या की प्रधानता का प्रतिपादन करते हैं। अस्मिता, राग आदि जो प्रसुप्तादि भेद से चार प्रकार के हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाली भूमि अविद्या है। मोह को अर्थात अनात्म पदार्थ देहादि में आत्माभिमान को अविद्या कहते हैं। जहाँ यह अविद्या शिथिल पड़ जाती है, वहाँ अस्मिता आदि कलेश की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। इससे यह सिद्ध हुआ कि सबका मूल अविद्या है। जो कलेश चित्त रूपी भूमि में रहते हुए भी उकसाने वाले के न मिलने पर अपने काम का आरंभ नहीं करते, वे प्रसुप्त कहलाते हैं। जैसे बाल अवस्था में बालक के चित्त में संस्कार रूप से बैठे हुए भी कलेश किसी सहकारी प्रबोधक के न मिलने से प्रकट नहीं होते। जो अपने अपने प्रतिपक्ष भावना से कार्य करने की शक्ति को शिथिल करने वाले केवल वासना युक्त चित्त में रहते हुए बिना अधिक सामग्री के अपने काम आरंभ करने में असमर्थ हैं, वे तनु अर्थात सूक्ष्म कहलाते हैं। जैसे अभ्यास करने वाले योगी के, जो किसी बलवान कलेश से दबाव पाकर ठहरे रहते हैं, वे विच्छिन्न कहलाते हैं। जैसे द्वेष होने पर राग और राग होने पर द्वेष, क्योंकि ये राग और द्वेष दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, कभी एक काल में नहीं हो सकते। किसी सहकारी का मेल पाकर जो अपने अपने काम को सिद्ध करते हैं, वे उदार कहलाते हैं। जैसे योग विरोधी पुरुष के सर्वदा ही व्युत्थान अवस्था में हुआ करते हैं। अस्मिता आदि जो प्रत्येक चार प्रकार के हैं, इनका संबंध कारणीभूत अविद्या के साथ है। अविद्या के संबंध से शून्य कलेशों का स्वरूप कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, तो मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या की निवृत्ति यथार्थ ज्ञान के होने पर भुने हुए बीज के समान अस्मिता आदि अंकुरित नहीं होते। इससे इनका कारण भी अविद्या और इन सब में अविद्या का संबंध भी निश्चित है। इसी से यह सब अविद्या शब्द से वैवृत होते हैं। सभी कलेश चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं। इससे इनके उच्छेद में योगी को पहले यत्न करना चाहिए। संगति, अविद्या को सर्व कलेशों का मूल कारण बताकर अब उसका यथार्थ स्वरूप दिखलाते हैं। अनित्या शुचि दुखानात्मसु, नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। शब्दार्थ, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु बराबर अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा में, नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति बराबर नित्य पवित्र सुख और आत्म भाव अर्थात चेतनता का ज्ञान अविद्या बराबर अविद्या है। अन्व्यार्थ, अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान अविद्या है। व्याख्या, जिसमें जो धर्म नहीं है उसमें उसका भान होना अविद्या का सामान्य लक्षण है। पशु के तुल्य अविद्या के भी चार पाद हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, अनित्य में नित्य का ज्ञान। यह संपूर्ण जगत और उसकी संपत्ति अनित्य है, क्योंकि उत्पत्ति वाला और विनाशी है, इसको नित्य समझना। दूसरा, अपवित्र में पवित्रता का ज्ञान। शरीर, कफ, रुधिर, मल मूत्र आदि का स्थान अपवित्र है, इसको पवित्र मानना। अन्याय, चोरी, हिंसा आदि से कमाया हुआ धन अपवित्र है, उसको पवित्र मानना। अधर्म, पाप, हिंसा आदि से रंगा हुआ अंतःकरण अपवित्र है, उसको पवित्र समझना। तीसरा, दुख में सुख का ज्ञान। संसार के सब विषय दुख रूप है, उनमें सुख समझना। चौथा, अनात्म में आत्मज्ञान। शरीर, इंद्रिय और चित्त ये सब अनात्म है, इनको ही आत्मा समझना,
ये चार प्रकार के भेद वाली अविद्या है, यही बंधन का मूल कारण है। विशेष विचार सूत्र 5। अविद्या का उत्पत्ति स्थान तीनों गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत्त्व है। जो सत्व में रज क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को रोकने मात्र है, यह महत्त्व सत्व की विशुद्धता से समष्टि रूप में विशुद्ध सत्वमय चित कहलाता है, जिसमें समष्टि अहंकार बीज रूप से रहता है, जो ईश्वर का चित्त है और सत्व की इस विशुद्धता को छोड़कर व्यष्टि रूप में सत्व चित कहलाता है, जो संख्या में अनंत है, जिनमें व्यष्टि अहंकार बीज रूप से रहते हैं, जो जीवों के चित कहलाते हैं। इन व्यष्टि चित्तों में जो लेश मात्र तम है, उस तम में ही अविद्या वर्तमान है। उस अविद्या से अस्मिता कलेश उत्पन्न होता है, अर्थात चेतन तत्व से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित व्यष्टि सत्व चित व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं। त्रिगुणात्मक जड़ चित्त और गुणातीत चेतन पुरुष जिसके ज्ञान का प्रकाश चित्त में पड़ रहा है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। उपयुक्त अविद्या के कारण इन दोनों में अभिन्नता की प्रतीति होना अस्मिता कलेश है। उस अस्मिता कलेश से राग द्वेष आदि कलेश उत्पन्न होते हैं, जैसा कि आगे बतलाया जाएगा। अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में अस्मिता का साक्षात्कार होता है। विवेक ख्याति में सत्व की विशुद्धता में जड़ चित्त और चेतन पुरुष में भेद ज्ञान उत्पन्न होने से अस्मिता कलेश निवृत्त हो जाता है और अविद्या अन्य सब कलेशों के सहित दग्ध बीज तुल्य हो जाती है। अब वही लेश मात्र तमस जिसमें अविद्या वर्तमान थी, विवेक ख्याति रूप सात्विक वृत्ति को स्थिर रखने में सहायक हो जाता है। संगति, इस अविद्या के कारण सबसे प्रथम जब चित्त और आत्मा में विवेक जाता रहता है, तब जड़ चित्त में आत्मा का भाव आरोप हो जाने से उसमें और आत्मा में अभिन्नता प्रकट होने लगती है। इससे अस्मिता कलेश उत्पन्न होता है, जिसका लक्षण अगले सूत्र में बतलाया गया है। दृक् दर्शन शक्त्यो रेकात्मते वास्मिता। शब्दार्थ, दृग् दर्शन शक्त्यो बराबर दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एकात्मता एव बराबर एक रूप जैसा होना, अस्मिता बराबर अस्मिता है। अन्व्यार्थ, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक स्वरूप जैसा भान होना अस्मिता है। व्याख्या, पुरुष दृष्टा है, चित्त दिखाने वाला उसका एक कारण है। पुरुष चैतन्य है, चित्त जड़ है। पुरुष क्रिया रहित है, चित्त प्रसव धर्मी अर्थात क्रिया वाला है। पुरुष केवल है, चित्त त्रिगुणमय है। पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामशील है। पुरुष स्वामी और चित्त उसकी स्वमिल्कियत है। इस प्रकार ये दोनों अत्यंत भिन्न है, पर अविद्या के कारण दोनों में भेद की प्रतीति जाती रहती है, जैसा कि पंच शिखाचार्य ने कहा है। बुद्धितः परम पुरुषम आकारशील विद्या आदि भी विभक्तम पश्यन कुर्यात् तत्रात्म बुद्धिम मोहेन। बुद्धि से परे पुरुष को स्वरूपशील और अविद्या आदि कलेश से अलग न देखता हुआ मोह से बुद्धि में आत्म बुद्धि कर लेता है। इस प्रकार पुरुष और चित्त में अविद्या के कारण एक जैसा भान होना अस्मिता कलेश है। इसी को हृदय ग्रंथि भी कहते हैं। यही असंग पुरुष और चित्त का परस्पर अध्यारोप है। इस अध्यारोप से आत्मा में बंधन का आरोप होता है। मुंडक उपनिषद में इस ग्रंथि के बेधन का उपाय विवेक ख्याति बतलाया है, यथा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्त्य सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस पर और अवर अर्थात चेतन रूप पुरुष और जड़ रूप चित्त के भेद का विवेक पूर्ण साक्षात हो जाने से हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं
और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। पुरुष से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित चित्त की संज्ञा अस्मिता है और पुरुष एवं चित्त में अभिन्नता की प्रतीति अस्मिता कलेश है। पुरुष और चित्त में भेद ज्ञान विवेक ख्याति है। संगति इस अस्मिता कलेश के कारण मन, इंद्रियों और शरीर में आत्मभाव अर्थात ममत्व और अहमत्व पैदा हो जाता है और उनके सुख पहुंचाने वाले विषयों में और वस्तुओं में राग उत्पन्न हो जाता है, जिसका लक्षण अगले सूत्र में कहते हैं। सुखानुशयी रागः शब्दार्थ सुख अनुशयी बराबर सुख भोगने के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है, रागः बराबर उसका नाम राग है। अन्व्यार्थ सुख भोग के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है वह राग है। व्याख्या शरीर इंद्रियों और मन में आत्मध्यास हो जाने पर जिन वस्तुओं और विषयों से सुख प्रतीत होता है उनसे और उनके प्राप्त करने के साधनों में जो इच्छा रूप तृष्णा और लोभ पैदा हो जाता है उसके जो संस्कार चित्त में पड़ जाते हैं उसी का नाम राग कलेश है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर्ण वश्मा गच्छेतो हस्य परिपंथिनो। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं उन दोनों के वश में नहीं होवें, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। संगति यह राग ही द्वेष का कारण है, क्योंकि चित्त में राग के संस्कार जम जाने पर जिन वस्तुओं से शरीर इंद्रियों और मन को दुख प्रतीत हो अथवा जिनसे सुख के साधनों में विघ्न पड़े उनसे द्वेष होने लगता है। अब द्वेष का लक्षण कहते हैं। दुख अनुशयी द्वेषः शब्दार्थ दुख अनुशयी बराबर दुख के अनुभव के पीछे जो घृणा की वासना चित्त में रहती है उसको द्वेषः बराबर द्वेष कहते हैं। अन्व्यार्थ दुख के अनुभव के पीछे जो घृणा की वासना चित्त में रहती है उसको द्वेष कहते हैं। व्याख्या जिन वस्तुओं अथवा जिन साधनों से दुख प्रतीत हो उनसे जो घृणा और क्रोध हो उसके जो संस्कार चित्त में पड़े उसको द्वेष कलेश कहते हैं। संगति द्वेष कलेश ही अर्थात शरीर इंद्रियों आदि को दुखों से बचाने के संस्कार ही अभिनिवेश के कारण है, जैसा अगले सूत्र से स्पष्ट है। स्वर स्वाही विदेशो अपि तथा रूढो अभिनिवेशः शब्दार्थ स्वर स्वाही बराबर स्वभाव से बहने वाला, विदुषः अपि बराबर विद्वान के लिए भी, तथा रूढः बराबर ऐसा ही प्रसिद्ध है, अभिनिवेशः बराबर अभिनिवेश कलेश है। अन्व्यार्थ स्वभावतः बह रहा है और विद्वानों के लिए भी ऐसा ही प्रसिद्ध है, वह अभिनिवेश कलेश है। व्याख्या स्वर स्वाही स्वर रस नाम वासना द्वारा वाही नाम प्रवृत्त है, अर्थात मरण भय के संस्कार जो जन्म जन्मांतरों से प्राणी मात्र के चित्त में स्वभाव से ही चले आ रहे हैं। विदुषः यह शब्द यहाँ केवल शब्दों के जानने वाले विद्वान के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात वह पुरुष जिसने कोरे शास्त्रों को पढ़ा है और क्रियात्मक रूप से योग द्वारा अनुभव तथा यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। अभिनिवेशक के अर्थ है मां न भूयम् भूया समिति, ऐसा न हो कि मैं न हूँ किंतु मैं बना रहूं। शरीर विषयादि भी मम वियोगो मां भूदिति, शरीर और विषय आदि से मेरा वियोग न हो। आत्मा अजर अमर है, जैसा गीता अध्याय 2 में बतलाया गया है, य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा समझता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं
यह आत्मा न मारता है न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदा चिनायम भूतवा भविता वा न भुए अजो नित्यः शाश्वतो अयम् पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता है अथवा न यह होकर फिर न होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हन्ति कम। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो अप्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्य आपो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको वायु नहीं सुखा सकता है। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्यो एवच नित्यः सर्वगतः स्थानूर चलो अयम सनातनः। यह आत्मा शस्त्रों से छेदन नहीं किया जा सकता, यह आत्मा जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता, तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य सर्वव्यापक अचल कूटस्थ और सनातन है। अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकार्यो अयम मुच्यते तस्मा देवं विदित्वेनम नानु शोचितुम हसी। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिन्ते अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा अविकारी कहा जाता है। इससे इस आत्मा को ऐसा जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। फिर भी राग द्वेष के कारण शरीर में आत्मा ध्यास हो जाता है और मूर्ख से लेकर विद्वान तक अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूलकर भौतिक शरीर की रक्षा में लगे रहते हैं और उसके नाश से घबराते हैं। इस मृत्यु के भय के जो संस्कार चित्त में पड़ जाते हैं, इन्हीं को अभिनिवेश कलेश कहते हैं। यह अभिनिवेश कलेश ही सकाम कर्मों का कारण है, जिनकी वासनाएं चित्त भूमि में बैठकर वर्तमान और अगले जन्मों को देने वाली होती हैं। संगति, सब कलेशों के बीज रूप होने से जो पांचों कलेश त्यागने योग्य हैं, उन पांचों कलेशों और उन कलेशों की प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार रूप चार अवस्थाओं का पूर्व सूत्रों में निरूपण किया गया है। परंतु प्रसंख्यान रूप अग्नि द्वारा दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए कलेशों की पांचवी अवस्था का क्यों नहीं वर्णन किया गया? इस शंका के निवारणार्थ अगला सूत्र है। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्माहा। शब्दार्थ, ते बराबर वे प्रति प्रसव हेया बराबर चित्त के अपने कारण में लीन होने से त्यागने अर्थात निवृत्ति करने योग्य है। सूक्ष्माहा बराबर क्रिया योग से सूक्ष्म और प्रसंख्यान अग्नि से दग्ध बीज हुए। अन्व्यार्थ, वे पूर्वोक्त पांच कलेश जो क्रिया योग से सूक्ष्म और प्रसंख्यान अग्नि से दग्ध बीज रूप हो गए हैं, असंप्रज्ञात समाधि द्वारा चित्त के अपने कारण में लीन होने से निवृत्त करने योग्य हैं। व्याख्या, ते पंच कलेशा दग्ध बीज कल्पा योगिनश्चारिताधिकारे चेतसी प्रलीने सह तेनै वास्तम गच्छन्ति। वे पांच कलेश
जो दग्ध बीज के सदृश है, योगी के चरिताधिकार चित्त के अपने कारण में लीन होते समय उसी चित्त के साथ लीन हो जाते हैं। क्रिया योग से सूक्ष्म किए हुए कलेश जब प्रसंख्यान रूप अग्नि से दग्ध बीज के समान हो जाते हैं, तब असंप्रज्ञात समाधि द्वारा समाप्त अधिकार वाले चित्त के अपने प्रकृति में लीन होने से वे कलेश भी उसके साथ लीन होकर निवृत्त हो जाते हैं। प्रति प्रसव के अतिरिक्त उन कलेशों के निरोध के लिए अन्य किसी यत्न की आवश्यकता नहीं है। अर्थात पुरुष के प्रयत्न का जो विषय होता है वही उपदेश करने में आता है। जो सूक्ष्म कलेश प्रसंख्यान रूप अग्नि में दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो गए हैं, उन पांचवें अवस्था वाले कलेशों की निवृत्ति प्रयत्न का विषय नहीं है। जब तक चित्त विद्यमान रहता है तब तक इन दग्ध बीज रूप कलेशों की निवृत्ति किसी भी प्रयत्न से नहीं हो सकती। किंतु जब पर वैराग्य की दृढ़ता से असंप्रज्ञात समाधि में निरधिकार प्राप्त हुए चित्त का प्रलय होता है, तब चित्त के साथ साथ ही वे दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए कलेश भी प्रलीन हो जाते हैं और कैवल्य अवस्था में चित्त के अपने स्वरूप से नाश हो जाने के साथ इनका भी नाश हो जाता है, क्योंकि धर्मों के नाश के बिना संस्कार रूप सूक्ष्म धर्मों का नाश नहीं होता। धर्मों के नाश में ही संस्कार रूप सूक्ष्म धर्मों का नाश होता है, इसलिए वे दग्ध बीज रूप पांचवीं अवस्था वाले कलेश प्रति प्रसव हे अर्थात चित्त के प्रलय होने से त्यागने योग्य है। चित्त के प्रलय अर्थात अपने कारण में लीन होने का नाम प्रति प्रसव और त्यागने योग्य का नाम हेय है। शंका, तनुकरण, दग्ध बीज भाव और प्रति प्रसव अर्थात प्रलय यह क्रम है। अतः दग्ध बीज भाव के प्रतिपादक ध्यान ह्यास्तद वृत्त्यः इस सूत्र को पहले रखना उचित था। समाधान, नहीं, मुख्य फल होने से प्रति प्रसव अर्थात प्रलय का ही पहले उसमें निर्वचन किया है। उसमें द्वार की सांकांक्षा होने पर दग्ध बीज भाव को पीछे कहना उचित है। संगति, क्रिया योग से तनु किए हुए अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति रूप बीज भाव के सहित जो तनु कलेश है, वे तनु रूप कलेश किस विषयक प्रयत्न से दूर होते हैं, इसको अगले सूत्र में बतलाते हैं। ध्यान ह्यास तद्वृत्त्यः शब्दार्थ, ध्यान ह्या बराबर ध्यान से त्यागने योग्य है, तद्वृत्त्यः बराबर जो क्रिया योग द्वारा तनु कर दी गई है। अन्व्यार्थ, कलेशों की स्थूल वृत्तियां जो क्रिया योग से तनु कर दी गई हैं, प्रसंख्यान संज्ञक ध्यान से त्यागने योग्य है। व्याख्या, अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति रूप बीज भाव के सहित जो चित्त में कलेश स्थित हैं, वे क्रिया योग से तनु करते हुए प्रसंख्यान रूप ध्यान से त्यागने योग्य हैं। जब तक कि वे सूक्ष्म होते होते दग्ध बीज के सदृश न हो जाएं, भाव यह है कि प्रसंख्यान विषयक प्रयत्न से उदय हुई जो प्रसंख्यान रूप अग्नि है, उस अग्नि में क्रिया योग द्वारा तनु किए हुए कलेश रूप बीज दग्ध होते हैं। इसलिए जब तक क्रिया योग से तनु किए हुए कलेश दग्ध बीज के सदृश न हो जाएं, तब तक प्रसंख्यान विषयक प्रयत्न करते रहना चाहिए। जैसे वस्त्र का स्थूल मल प्रक्षालन आदि से सुगमता से दूर किया जा सकता है, परंतु सूक्ष्म मल विशेष यत्न से दूर करना होता है। ऐसे ही कलेशों की स्थूल वृत्तियां कम दुख देने वाली हैं, किंतु कलेशों की सूक्ष्म वृत्तियां अधिक दुखदायी हैं। अर्थात उदार कलेशों की वृत्तियां स्थूल रूप से ही वर्तमान रहती हैं। उनको क्रिया योग द्वारा तनु करना चाहिए। ये तनु किए हुए कलेशों की सूक्ष्म वृत्तियां स्थूल वृत्तियों से अधिक दुख देने वाली और महान शत्रु हैं। इसलिए
इनकी निवृत्ति करने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। इस तनु किए हुए कलेशों की सूक्ष्म वृत्तियों को प्रसंख्यान ध्यान की अग्नि से दग्ध बीज के सदृश कर देना चाहिए। फिर ये दग्ध बीज होकर असंप्रज्ञात समाधि में चित्त के प्रलय होने पर उसके साथ स्वयं ही प्रलीन हो जाती हैं। संगति, कलेश ही सकाम कर्मों के कारण है, जिनकी वासनाएं मनुष्य को संसार चक्र में डालती हैं।